नमस्कार मित्रों, आइए आज हम जो है कड़ी के बारे में पढ़ेंगे, डिसमिल के बारे में पढ़ेंगे कि डिसमिल क्या होता है, और कड़ी के माध्यम से डिसमिल को हम जानेंगे कि डिसमिल क्या होता है। जैसा कि एक डिसमिल में जो है 1,000 वर्ग कड़ी होता है, एक डिसमिल में जो है 1,000 वर्ग कड़ी होता है, एक डिसमिल में जो है 1,000 वर्ग कड़ी होती है, 1,000 वर्ग कड़ी जो है होती है। कड़ी क्या होता है, जैसा कि कड़ी के बारे में अगर बताया जाए तो इस तरह से जो है कड़ी होती है एक, जो जरीब मापने की जो जरीब होती है, एक जरीब में जो है 100 कड़ियाँ होती हैं। इस तरह से होता है, कुछ चेन टाइप का फिर यहाँ बना होता है, फिर इस तरह से जो बना होता है। तो जो एक कड़ी होती है इसी को एक कड़ी कहते हैं, इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं अपने आप में। तो एक जो कड़ी होती है इसी प्रकार से जब 1,000 कड़ी होगा तो वह जो है 1,000 वर्ग कड़ी होगा तो होगा एक डिसमिल होगा, वो तो जो है एक डिसमिल होगा। वर्ग क्या होता है, वर्ग का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए एक कड़ी इधर से, एक कड़ी इधर से और एक कड़ी इधर से, ये हो गया एक वर्ग कड़ी। इसी प्रकार से अगर होगा ज़्यादा की बात करेंगे तो उसमें जो है उसको हम इस प्रकार से कड़ियों को जो है जोड़ते जाएंगे और हमारा जो है ये जितना होगा, जैसे मान लीजिए हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो है 9 वर्ग कड़ी हो गया। तो इसी प्रकार से जो है ये इसको वर्ग कड़ी में, या वर्ग की बात यही होती है। तो एक डिसमिल में जो है 1,000 वर्ग कड़ी होती है, और जो है अगर इसको हम वर्ग फुट में बदलेंगे तो वर्ग फुट के लिए जो है हमें एक कड़ी बर जानना होगा। एक कड़ी बराबर होता है 0.66 वर्ग, 0.66 फुट होता है, जो है एक फुट होता है, 0.66 फुट होता है। तो अगर हम बात करेंगे जो है 1,000 वर्ग कड़ी की, तो 1,000 गुणे जो है हम कर सकते हैं 0.66 वर्ग फुट, वर्ग फुट या फुट का वर्ग कर सकते हैं हम, या जो है कड़ी का वर्ग कर सकते हैं, क्योंकि कड़ी है वर्ग कड़ी है। तो जब वर्ग कड़ी है तो यहाँ हम जो है एक कड़ी का वर्ग है, तो इसलिए यहाँ पे हम जो है फुट का भी वर्ग कर दिए हैं। तो 1,000 गुणे 0.66 वर्ग कर दिया हूँ। तो उसके बाद जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो 1,000 गुणे जो है इसको जब 6.66 गुणे गुणा करेंगे अगर इसका जो है, तो 6×36 और 3 हो जाएगा ना, 36 और 3 39, यहाँ 39 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 6×36 36 3 39 हो जाएगा। इसको हम जोड़ लेंगे, 6, 9, 6, 15 के 5 और 3 12, 1 13 के 3 चार, 4 अंक पर दशमलव है, यहाँ दशमलव आ जाएगा, यानी 0.43 5 6 0.43 5 6 ये हो गया। अब इसमें जो है हम यहाँ हो गया ये 0.43 5 6 हो गया, तो इसमें जब 1,000 का गुणा करेंगे हम जो है, तो ये जो है यहाँ पे 4 1,000 में 3 0 होता है, तो ये जो है आगे बढ़ाएगा और ये हो जाएगा जो है 400 जो है 435.6 वर्ग फुट हो जाएगा, 435.6
छः वर्ग फुटे हो जाएगा। और इस प्रकार से जो है इतना ये हो जा रहा है। और आगे देखेंगे जो है, जब ये इतना हो गया 435.6 वर्ग फुट हो गया ये, तो इसको हमने जो है निकाल दिया। किस पे निकाल दिया, यानी कि एक डिसमिल बराबर जो है, एक डिसमिल बराबर हो गया 435.6 ये वर्ग फुट में आ गया। अब हम इसको गज में निकालेंगे। गज में कैसे निकालेंगे, मान लीजिए गज में निकालना हो तो गज में बहुत ही आसान निकालना है, क्योंकि एक गज बराबर होता है 3 फुट। एक गज बराबर होता है 3 फुट होता है एक गज में जो है। एक गज बराबर होता है 3 फुट। तो एक वर्ग गज बराबर हो जाएगा 3 × 3 = 9 वर्ग फुट, ये हो जाएगा 9 वर्ग फुट हो जाएगा। तो हमें जो है पता है कि हमारा जो एरिया जो हमें डिस्प्ले प्राप्त हुआ है वो 435.6 वर्ग फुट है। तो इसको अगर हम वर्ग गज में बदलेंगे तो इसके लिए हमें जो है वही करना पड़ेगा कि इसमें भाग देना पड़ेगा। तो इसमें भाग दे देते हैं, 435.6 में जो है 9 का हम भाग दे देंगे। तो जब इसका हम भाग दे देंगे तो ये भाग देने पर प्राप्त हो जाएगा, हम सीधे भाग दे सकते हैं, 9 चौक 36, 9 चौक 36, यहाँ बचा 6, और जो है 9 9 8 72, हाँ 9 8 72 हो गया, 0.4 ये हो जाएगा। अगर इसका भाग देंगे हम जो है 48.4 हो जाएगा। ये 48.4 जो आएगा ये आ जाएगा वर्ग गज, ये आ जाएगा वर्ग गज, यानी एक डिसमिल में जो है, एक डिसमिल बराबर जो है 48.4 वर्ग गज हो जाएगा। एक डिसमिल बराबर जो है 48.4 वर्ग गज हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना वर्ग गज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है इतना वर्ग गज हो गया। तो वर्ग गज, वर्ग का मतलब ही होता, भी बताया हमने जो है कि इधर जैसे हो गया, मान लीजिए एक गज हो गया, गज ए एक गज ए एक गज ए एक गज ए। तो इस प्रकार से जो है वो चारों तरफ से करिए कि एक गज है, तो ये वर्ग गज हो गया। इस प्रकार से जो भी जमीन होगी इसमें बहुत सारे वर्ग गज इस तरह से बने रहेंगे। वर्ग गज जो है, या जो भी होगा इस तरह से वो जो है वर्ग गज ये हो जाता है। तो यही होता है वर्ग गज। तो आज हम लोगों ने जो है डिसमिल को जाना, डिसमिल क्या होता है, डिसमिल को बदलना सीखा हम लोगों ने। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।